वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रोंटे के नॉवेल का छठा हिस्सा। हिंडले के मुंह से गालियों की बौछार हुई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मैं हैरिटन को उससे बचाने के लिए अलमारी में छुपा रही थी। वो बेचारी मासूम जान हिंडले को देखते ही कांपने लगा। ऐसे मौकों पर मैं उसे जहां भी छुपाती वो चुपचाप दम साधे छुपा रहता। उसे अपने बाप से दो ही बातों की तवक्को थी, या तो वह उसे चूमता हुआ अपने सीने से बुरी तरह भींच लेता कि बेचारे का दम निकलने वाला हो जाता, या उसे दीवार पर पटक देता। हिंडले ने मुझे गर्दन से पकड़ते हुए यूं पीछे खींचा जैसे किसी जानवर को खींचते हैं और वहशियाना कहकहा लगाता हुआ बोला, हां देखा, मैंने तलाश कर लिया अपने बिचौंगड़े को। तुम सब यकीनन हाथ धोकर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हो। यह भला कोई जगह है उसे छुपाने की? तुम सब मिलकर उसे मार दोगे, लेकिन मैं तुम सब का इलाज पहले ही कर दूंगा। ये चाकू देख रही हो ना नेली, अभी मैं तुम्हें इससे जहन्नम रसीद कर दूंगा। अभी मैं डॉक्टर केंत को उठाकर पत्थरों पर पटक कर आया हूं, अब तुम्हारी बारी है। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी, मैंने बेपरवाही से कहा, लेकिन मुझे इस चाकू से मत मारो। इससे तो मैं अभी अभी हरी मिर्चें कतर रही थी, इससे बेहतर है कि तुम मुझे पिस्तौल से शूट कर दो। वो बोला, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जबान काटता हूं। इंग्लिस्तान का कोई कानून मुझे अपने घर को तुम जैसे बुरे लोगों से पाक करने से नहीं रोक सकता। यह कहकर उसने चाकू की नोक मेरे दांतों पर रख दी, लेकिन मैं उसकी इन फजूलियात की आदी थी और मैंने फर्श पर थूकते हुए कहा कि चाकू बहुत कड़वा है और अब मैं इसे मजीद नहीं चख सकती। मुझे छोड़कर अब वो हैरिटन की तरफ मुतवज्जे हुआ। उफ यह बदतमीज लड़का, उसने न मुझे सलाम किया न कुछ। क्या मैं कोई जिन हूं जो यह मुझे देखकर यो चीख चिंघाड़ रहा है? इधर आओ बेटे, लो मुझे चूमो। क्या नहीं चूमेगा? खुदा की कसम मैं तुम्हारा भरकस निकाल दूंगा। बेचारा हैरिटन अपनी बाप के बाजुओं में पटखनियां खा रहा था, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, और जब वो उसे उठाकर सीढ़ियों के जंगले की तरफ चला तो हैरिटन की चीखें और भी बुलंद हो गईं। मैं बच्चे को बचाने के लिए भागी तो वो उसे लेकर जंगले की तरफ झुक चुका था। दरअसल नीचे शोर सा सुनाई दे रहा था और हिंडले बिल्कुल भूल गया कि उसके हाथ में बच्चा था। नीचे किसी के कदमों की आहट सुनकर वो बोला, कौन है? और उसके साथ ही बच्चा उसकी गिरफ्त से निकल गया। मैं उससे लम्हा भर पहले आहट पहचान गई थी कि आने वाला यकीनन हीथक्लिफ है, और मैं उसे खबरदार करने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि मुझे हैरिटन हवा में उछलता नजर आया। पेशतर इसके कि मेरी चीख फिजा में बुलंद होती, यह देखकर मेरी जान में जान आई कि बच्चा हीथक्लिफ के हाथों में महफूज था। बच्चे को जमीन पर खड़ा करने के बाद जब हीथक्लिफ ने ऊपर देखा कि यह सारी शरारत हिंडले की है, तो उसके चेहरे पर शदीद पछतावे के आसार जाहिर हुए। ऐसे आसार उस शख्स के चेहरे पर होते हैं जिसका लॉटरी का टिकट जाये हो गया हो और उसे अचानक खबर मिले कि उसी टिकट पर लॉटरी निकल आई है। अंधेरा होता तो मुझे यकीन है कि हीथक्लिफ अब भी पछतावे की तलाफी कर देता और हैरिटन को उठाकर जमीन पर दे मारता। हिंडले से बदला लेने का यह मौका जाये करके वो बहुत पछता रहा था, लेकिन बहरहाल होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैं इस दौरान सीढ़ियां उतर चुकी थी, मैंने हैरिटन को सीने से लगा लिया। हिंडले नहायत आराम से सीढ़ियां उतरा, ऐसा मालूम होता था कि उसे होश आ चुका है। वो मुझसे शिकायतन बोला, नेली तुम्हें चाहिए था कि उसे मुझसे परे रखो, कहीं चोट तो नहीं आई उसे? मैंने बिफर कर कहा, चोट? तुम चोट का पूछते हो? मैं कहती हूं यह बड़ा ढीठ बच्चा है जो अब तक मर नहीं गया। तुम्हारा इससे जानवरों का सा सलूक देखकर फ्रांसिस की रूह भी तड़प उठी होगी। तुम इंसान हो या क्या हो? हिंडले ने बच्चे को छूना चाहा तो उसने चीख मार दी। मैं उसे पुचकारते हुए हिंडले से बोली, ज्यादा तंग मत करो इसे, यह तुमसे नफरत करता है। सारा घर ही तुमसे मुतनफिर है, बल्कि अब घर में रह ही कौन गया है? सब तंग आकर चले गए। हिंडले बोला, सबको भगा दूंगा, सबको,
फिलहाल तो तुम अपनी शक्ल गुम करो यहां से और हीथ क्लिफ तुम भी दफा हो जाओ वरना मेरे हाथों तुम्हारी खैर नहीं। यह कहकर उसने बहुत सी शराब गिलास में डाली और हम दोनों बाहर निकल आए। हीथ क्लिफ बोला, यह साला शराब से तो मरेगा नहीं। डॉक्टर केंथ भी यही कहता है कि इतना ताकतवर और चौड़ा चकला आदमी तो सबको मारकर मरेगा। मैं हेरिटन को थपकती सुलाती बावर्ची खाने में आकर बैठ गई। हीथ क्लिफ मुझे बावर्ची खाने से बाहर निकलता नजर आया, लेकिन दरअसल वो बाहर न गया था बल्कि आग के पास से बेंच उठाकर उसका रुख बदलकर उस पर यूं लेट गया कि बिल्कुल नजर न आ रहा था। शायद वो आराम करना चाहता था। मैं हेरिटन को सुलाने के लिए लोरी गाने लगी तो कैथी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। वो ये सब शोर शराबा सुनती रही थी। दरवाजा खोलकर सहमी सहमी सी आवाज में बोली, क्या तुम अकेली हो नेली? वो चूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई, बहुत बेचैन सी थी। अल्फाज उसके होंठों से वापस जा रहे थे और कुछ कहने की कोशिश में उसके मुंह से महज एक ठंडी आह निकली। कुछ देर पहले उसने जो सलूक मेरे साथ किया था उसका असर अभी तक मेरे दिल पर था। मैंने उसकी जहनी कैफियत की परवाह न करते हुए हेरिटन को लोरी सुनानी शुरू की तो वो मदाखलत करते हुए बोली, हीथ क्लिफ कहां है? अस्तबल में काम कर रहा होगा, मैंने जवाब दिया। और हीथ क्लिफ ने मेरे जवाब की बिल्कुल तर्दीद न की, शायद वो सो गया था। चंद लम्हे कमरे में खामोशी रही। इस दौरान में मैंने महसूस किया कि कैथी की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बह रहे हैं। मैंने सोचा, अगर ये अपने किए पर शर्मिंदा है तो फिर बड़ा मोजज़ा हो गया। लेकिन इतनी मक्कार लड़की से यह तवक्को फजूल थी। मुझे पता था कि वो जब भी गिरेगी बिल्ली की तरह पंजों ही के बल गिरेगी। आखिरकार वो रोते हुए बोली, मेली मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा, तुम तो नाशुक्री हो नाशुक्री, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, फिर किस बात की परेशानी? यूं ही बेबात की बात पर वो झुकी और मेरी आंखों में आंखें डालकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, नेली क्या तुम मेरा एक राज रखोगी? मैंने बेपरवाही से कहा, क्या वाकई तुम्हारा ऐसा कोई राज है जिसे राज कहा जा सके? क्यों नहीं, वो परेशान होकर बोली, और अगर मैंने उसे उगल न दिया तो मेरा पेट फट जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज एडगर्ड ने मुझे शादी का पैगाम दिया और मैंने उसे जवाब भी दे दिया, लेकिन पेशतर इसके कि मैं ये बताऊं कि मैंने इनकार किया या इकरार, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। मुझे क्या पता है लड़की, शाम को जो तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ लगाया था उसके बाद भी अगर उसने शादी का पैगाम दिया तो बड़ा ही बेवकूफ है वो लड़का। वो उठते हुए बोली, तुम इस तरह की बातें करोगी तो मैं जाती हूं। सुनो नेली, मैंने उससे शादी का इकरार कर लिया है, अब तुम जल्दी से बताओ कि मैंने ठीक किया या गलत किया। वाह वाह, फैसला भी कर चुकी और अब चली है मुझसे पूछने, क्या कहने हैं तुम्हारे? वो हाथ मलती हुई माथे पर त्योरी डालकर बोली, बताओ ना मुझे क्या जवाब देना चाहिए था। मैंने कहा, इस बात का जवाब देने से पहले कई बातों पर गौर करना पड़ेगा। पहले यह बताओ कि तुम एडगर को चाहती हो क्या? यकीनन, उसने जवाब दिया। क्यों मिस कैथी, तुम उससे क्यों मोहब्बत करती हो? यह क्या सवाल हुआ? बस दिल पर इख्तियार नहीं, वो खूबसूरत है, खुश मिजाज है, यह तो कोई बात न हुई, मैंने कहा। वो जवान है, कैथी बोली, यह भी कोई खास बात न हुई। फिर यह कि वो मुझे चाहता है, वो दौलतमंद होने वाला है, मैं इस इलाके की औरतों में फख्र से घूमूंगी फिरूंगी, यह सबसे बुरी बात है। अच्छा फिर बताओ, ये क्या तुम वाकई उसे चाहती हो? मैंने बराह रास्त सवाल कर दिया। क्यों नहीं, कैसी बातें पूछती हो नेली, क्या तुम अहमक हो? मैं अहमक नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब दो, मैंने दो टूक कहा। कैथी बोली, मैं तो इस मिट्टी से भी मोहब्बत करती हूं जो उसके पांव के नीचे आ जाती है, उस हवा को भी चाहती हूं जिसमें वो सांस लेता है, मुझे हर उस चीज से मोहब्बत हो जाती है जिसे वो छू लेता है, और हर वो लफ्ज काबिले परस्तिश बन जाता है जो उसके मुंह से निकलता है। लेकिन क्यों, मैंने एक और सवाल कर दिया। कैथी नाराज होकर बोली,
नेली, तुम यूं ही बात को मजाक में उड़ा रही हो। यह भला मजाक की बात है? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। तुम एडगर को इसलिए चाहती हो कि वो खूबसूरत है, जवान है, खुशतबा है, अमीर है और तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन अगर पहली चार सिफतें उसमें न हो तो क्या तुम महज पांचवी के लिए उससे मोहब्बत करोगी? यकीनन नहीं। अगर वो बदसूरत होता तो मैं उससे नफरत करती। तो फिर उससे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा अमीर और ज्यादा खुशतबा और बहुतेरे नौजवान दुनिया में हैं, तुम उनसे मोहब्बत क्यों नहीं करती? होंगे, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने तो ये तमाम सिफतें महज एडगर में पाई हैं, लेकिन वो हमेशा नौजवान, खूबसूरत और अमीर तो नहीं रहेगा। कैसी बातें करती हो नीली? मुझे तो हाल से गर्ज है, जब वो अमीर नहीं होगा तब की तब देखी जाएगी। फिर तो बात तय है, अगर तुम महज हाल ही को देखना है, अगर तुम्हें महज हाल ही को देखना है तो एडगर से शादी कर लो। मुझे उससे शादी के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम तो मुझे यह बताओ कि मैंने सही कदम उठाया है या गलत। बिल्कुल सही उठाया है। अगर शादी मुस्तकबिल से बेनियाज महज हाल ही का एक मुआहदा है तो ठीक है, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि यह फैसला करने के बाद चुभन कैसी? अब परेशानी किस बात की है? तुम्हारा भाई इस बात पर खुश होगा, एडगर के माँ बाप भी रुकावट न डालेंगे। फिर सबसे बढ़कर यह कि तुम इस गंदे से घर से निकल कर एक खूबसूरत साफ सुथरे माहौल में चली जाओगी। फिर क्या बात है आखिर, परेशानी किस बात की? कैथी ने एक हाथ अपने माथे और दूसरा दिल पर रखते हुए कहा, ये मेरे दिलो दिमाग में जो कयामत बरपा है, मेरी रूह पुकार पुकार कर कह रही है कि मैं गलती पर हूं। अजीब बात है, मैं तुम्हारी मंतिक नहीं समझ सकी। यही तो मेरा राज है, अगर तुम मजाक न उड़ाओ तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करती हूं नेली। क्या तुम्हें कुछ अजीबोगरीब ख्वाब नजर आते हैं? हाँ हाँ, कभी कभार, मैंने कहा। कैथी बोली, मुझे जिंदगी में ऐसे ऐसे ख्वाब नजर आए हैं जिन्होंने साल हा साल मेरा पीछा किया है और मेरे ख्यालात बदल डाले। ऐसा ही एक ख्वाब मैं तुम्हें सुनाती हूं। मैं चिल्लाई, ओह खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझे वहशत होती है इन ख्वाबों से। छोड़ो ये बातें, देखो हेरिटन कैसी मीठी नींद सो रहा है। हाँ हाँ, इसका बाप जो मीठे मीठे थप्पड़ लगाता है, तुम सबके वो भी याद है ना, लेकिन इतना लंबा ख्वाब नहीं है, जरा सुनो तो। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, खुदा के लिए चुप करो। मैं ख्वाबों के मुतालिक शुरू से बहुत नर्वस हूं, अब तक यही हाल है, लेकिन उस दिन कैथी के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ रही थीं कि मुझे ख्वाब सुनने से पहले ही डर आने लगा। वो मेरी हालत ताड़ गई और मौजू बदलते हुए बोली, नेली अगर मैं जन्नत में चली जाऊं तो सख्त गमगीन और परेशान हो जाऊं। मैंने लुकमा दिया, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि जन्नत में जाओ, चलो छुट्टी हुई, गोया तुम्हारे नजदीक मैं जहन्नम में जाने के लायक हूं। लेकिन सुनो तो सही, मैंने ख्वाब में अपने आप को जन्नत में देखा। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुमने सुना नहीं कैथी, मैंने कहा है मैं तुम्हारे ख्वाब नहीं सुनना चाहती। ये लो, मैं चली, मुझे नींद आने लगी है। उसने मुझे कमीज से पकड़कर बिठाते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात से डर रही हो? सुनो, मैं जन्नत में इस कदर रोई और रो रो कर अपना इतना बुरा हाल कर लिया कि फरिश्तों ने गुस्से में मुझे उठाकर जमीन पर फेंक दिया, और पता है मैं कहां गिरी? यहां वुदरिंग हाइट्स पर। बस यही मेरा राज है। एडगर से ब्याह करके गोया मुझे ऐसी ही जन्नत में जाना है। अगर मेरे भाई ने हीथ क्लिप को इतना जलील न कर दिया होता तो मैं एडगर से शादी का सोच भी न सकती थी। अब तो हीथ क्लिप से शादी करना जलील होने वाली बात है, और हीथ क्लिप को कभी पता भी न चलेगा कि मैं उससे किस कदर शदीद मोहब्बत करती हूं। इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है, बल्कि इसलिए कि वो मेरा अपना है, मेरी और हीथ क्लिफ की रूह एक है। कैथी की बात खत्म होने से पहले ही मुझे एहसास हो गया है कि हीथ क्लिफ कमरे में मौजूद है। कमरे में हरकत सी हुई और मैंने देखा कि हीथ क्लिफ दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। वो कैथी की इस बात से आगे न सुन सका। अब तो हीथ क्लिफ से शादी करना जलील होने वाली बात है। कैथी की पीठ इस तरफ थी, इसलिए वो कुछ न देख सकी।
लेकिन मैंने उसे खामोश करते हुए कहा, हश। कैथी ने पहले घबरा कर इधर उधर देखा, फिर पूछा, क्यों, क्या बात है, कौन है? जोसेफ के गुड्डे के पहियों की आवाज सुनकर मैंने कहा, जोसेफ आ रहा है, शायद हीथक्लिफ भी उसके साथ हो। कैथी बोली, जब तक तुम खाना तैयार कर रही हो, हेरिटन को मुझे दे दो। मैं इस वक्त तक अपनी जमीर की आवाज दबाने की कोशिश करती हूं, ख्याल रहे हीथक्लिफ को इन बातों की भनक भी न पड़े, उसे क्या पता है मोहब्बत किस जालिम चीज का नाम है। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया, वो मोहब्बत को तुमसे ज्यादा समझता है, और अगर वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो उससे ज्यादा बदकिस्मत शख्स और कौन होगा। जब तुम एडगर से शादी करके चली जाओगी तो वो दुनिया में तने तन्हा रह जाएगा। तुम्हें क्या पता है तुमसे जुदा होकर उस पर क्या गुजरेगी? तुम्हें नहीं मालूम कैथी के, वो मेरी बात काट कर बोली, क्या कह रही हो नेली तुम? हीथक्लिफ तन्हा रह जाएगा, हम जुदा हो जाएंगे? कौन जुदा कर सकता है हमें? जब तक मेरे दिल की धड़कनें जिंदा हैं, जब तक मुझे सांस आ रही है, हम जुदा नहीं हो सकते। एडगर जैसे कितने ही पैदा हो जाएं, लेकिन वो मुझसे हीथक्लिफ को नहीं छीन सकते। तुम मेरा मतलब नहीं समझ सकी, इतनी बड़ी कीमत देनी पड़े तो मैं एडगर की बीवी बनने को तैयार नहीं। एडगर को हीथक्लिफ के मुतालिक अपना रवैया बदलना होगा, और तुम देखना, जब उसे हीथक्लिफ के मुतालिक मेरे सही जज्बात का इल्म होगा तो उसका रवैया बदल जाएगा। नेली, तुम शायद मुझे खुदगर्ज समझती हो, लेकिन तुम यह भूल रही हो कि अगर मैं एडगर से शादी कर लूं तो मैं हीथक्लिफ को अपने भाई के चंगुल से निकालने में मदद कर सकती हूं। कैथी, क्या तुम समझती हो कि हीथक्लिफ इस किस्म की मदद कबूल कर लेगा? यह सबसे बोधी दलील है जो तुमने एडगर से शादी के हक में दी है। बिल्कुल नहीं, कैथी ने बर्जस्ता जवाब दिया, बल्कि यह सबसे वजनी दलील है। बाकी बातों का ताल्लुक तो मेरी और एडगर की बाहमी दिलचस्पी से हो सकता है, लेकिन यह वाहिद दलील है जो उस हस्ती के मुतालिक है जो मेरे अंग अंग में समाई हुई है। क्या जिंदगी सिर्फ अपने ही लिए होती है नेली? नहीं, मैंने जिस कर्ब और दुख से हीथक्लिफ की तकलीफें और उसकी बेबसी देखी है वो मैं तुमसे कैसे बयान करूं। हीथक्लिफ की हर आह पर मेरे सीने में एक कारी जख्म लगा है। मेरे जीने का क्या फायदा अगर मैं उसे यूं ही दुख तकलीफ में देखकर कुड़ती रहूं। मैं यहां से निकलकर उसे भी यहां से निकाल लूंगी। अगर सारी दुनिया मर जाए, हर चीज तबाह हो जाए, तो फिर यह दुनिया मुझे निहायत ऊपरी सी लगे, जैसे मैं जिंदा ही नहीं हूं। एडगर से मेरी मोहब्बत जंगल के उस सब्जे की सी है जिसे गर्मी सर्दी मुतासिर कर सकती है, लेकिन हीथक्लिफ से मेरी मोहब्बत उन चट्टानों की मानिंद है जो बजाहिर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिन पर यह धरती खड़ी है, जिनके बगैर इस कायनात का वजूद ही नहीं। नेली, मैं खुद हीथक्लिफ हूं, इसलिए कि मेरी आंखों में वो चमक रहा है, मेरे दिल में वो धड़क रहा है, मेरे खून की गर्दिश का बास वो है। इसलिए अब आइंदा कभी मेरी उससे जुदाई की बात मत करना। कभी कोई अपने आप से भी जुदा होता है, मुझे उससे। यहां आकर कैथी की आवाज रुंधिया गई और उसने अपना चेहरा मेरे गौन में छुपाना चाहा, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती झटक दिया। मैं उसकी हिमाकत पर आपे से बाहर हुई जा रही थी और अल्फाज मेरे मुंह से उबले पड़ते थे। तुम किस किस्म की बेहुदा लड़की हो? या तो तुम जानती ही नहीं कि शादी करने के बाद इंसान पर किस कदर फराइज और जिम्मेदारियां आन पड़ती हैं, या फिर तुम निहायत बेउसूल और बदतीनत इंसान हो। लेकिन खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारा कोई राज छुपाने का वादा नहीं कर सकती। वो झुंझला कर बोली, तुम्हें मेरा राज छुपाना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, मैं कोई वादा नहीं कर सकती, समझी? वो और कुछ कहने वाली थी कि जोसेफ की आमद ने हमें चौकन्ना कर दिया और कैथी हेरिटन को बहलाने लगी। मैं खाना पकाने में लग गई। काफी रात गुजर गई तो जोसेफ बोला, वो गधा हीथक्लिफ अब तक जाने कहां है, बड़ा आवारा हो गया है यह छोकरा। मैंने कहा, मैं उसे बुलाकर लाती हूं, यहीं कहीं होगा। मैं उसे बुलाने गई लेकिन कोई जवाब न पाकर मुड़ी तो मैंने कैथी को सरगोशी के अंदाज में बताया
कि हीथक्लिफ ने उसकी तमाम बातें सुन ली थीं और यह कि मैंने खुद उसे कमरे से बाहर निकलते देखा था। इतना सुनना था कि कैथी के तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए, जमीन उसे पांव के नीचे से निकलती हुई महसूस हुई। उसने हैरिटन को सोफे पर फेंका और हीथक्लिफ की तलाश में निकल गई, लेकिन गालिबन उसे भी हीथक्लिफ का कोई निशान न मिला, क्योंकि वो मायूस सी और गुस्से के आलम में अंदर दाखिल होते ही जोसेफ पर यूं गरजी, जाओ जहां से मर्जी उसे ढूंढ कर लाओ, वो कहीं नजदीक दिखाई नहीं देता। मैंने पूरे जोर से चिल्ला चिल्ला कर उसे पुकारा, लेकिन वो है ही नहीं। जब तक मैं उसे देख न लूं, न खाना खाऊंगी, न सोने के लिए ऊपर जाऊंगी। जोसेफ आमतौर पर ऐसे अहकामात की परवाह न करता था, लेकिन उस वक्त कैथी ने जिस रोब दाब से यह हुक्म दिया था, जोसेफ को बादले नखास्ता बड़बड़ाते हुए हीथक्लिफ की तलाश के लिए निकलना पड़ा। इस दौरान मैं कैथी जख्मी शेरनी की तरह बल खाते हुए बोले जा रही थी, खुदा जाने कहां गया वो, खुदा जाने क्या सुना उसने, क्या कहा था मैंने नेली, अल्लाह करे वो आ जाए, काश वो वापस आ जाए। अंदर से तो मैं भी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन बजाहिर मैंने बेपरवाही से कहा, क्यों खामखा शोर मचाए जा रही हो, वो चांदनी में यहीं कहीं किसी चट्टान पर लेट गया होगा, मैं अभी उसे ठीक करती हूं। मैंने बहुत तरह तलाश किया, लेकिन हीथक्लिफ न मिला। जोसेफ भी मुंह लटकाए बड़बड़ाते हुए वापस आ गया, तो कैथी पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गई, क्या तुमने उसकी तलाशी भी की या ऐसे ही वापस आ गए हो गधे। जोसेफ बेपरवाही से बोला, बहरा हो गया है साला, मेरा गला दुखने लग गया चिल्लाते चिल्लाते। यह एक बहुत ही भयानक और डरावनी रात थी। बादलों ने अंधेरे को और भी घटा टोप बना रखा था और अब तो गरज और चमक भी शुरू हो गई थी। मैंने सबको यह मशवरा दिया कि बारिश आने वाली है, इसलिए फिक्र की जरूरत नहीं, हीथक्लिफ यकीनन बारिश से बहुत पहले घर आ जाएगा। मेरे इस मशवरे पर सब लोग कमरे में आ गए, लेकिन कैथी को भला चैन कहां। वो कुछ देर तो कमरे से गेट तक आती जाती रही, फिर कमबख्त ने बाहर की तरफ देखते हुए अपना सर मुस्तकिल तौर पर दीवार पर टेक दिया। मैं बहुतेरी चीखी चिल्लाई कि कैथी जाने दो, अंदर आ जाओ। बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने शुरू हो गए, लेकिन वो इन सब चीजों से बेनियाज वक्फों वक्फों से हीथक्लिफ को पुकारती रही। हीथक्लिफ को आवाज देकर और कोई जवाब न पाकर वह बिलक बिलक कर रोती, इतना रोई कि उसकी हिचकी बन गई। आधी रात को शदीद तूफान बादोबारा ने आन लिया। बारिश और आंधी में बाहर दरख्त टूट टूट कर गिरने लगे। शीशम का एक पुराना दरख्त तूफान की तुंदी की ताब न लाकर मकान के एक कोने पर गिरा और चिमनी का एक हिस्सा कमरे में टूटकर बिखर गया। हम सब दम बखुद खड़े थे। कैथी अभी तक गेट में खड़ी थी, बुत की तरह साकिन। 20 मिनट में तूफान गुजर गया। कैथी सर से पांव तक पानी में शराबोर अंदर आई और अपने निचड़ते हुए कपड़ों में सोफे पर बैठ गई। मैंने कैथी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैथी अकल करो, क्यों मौत को दावत दे रही हो, हीथक्लिफ इस वक्त नहीं आएगा, देख नहीं रही हो क्या वजह है, निस्फ शब गुजर चुकी है, वो इधर गमर्टन की तरफ निकल गया होगा, उसे अच्छी तरह मालूम है कि इतनी रात गए घर वापस आने पर हिंडले उसका क्या हश्र करेगा, इसका तुम्हें भी खुद इल्म है और उसे भी, फिर भला क्या उसे किसी बौले कुत्ते ने काटा है जो वो इस वक्त यूं बारिश और आंधी में खराब होता फिरे। मैंने बड़ी कोशिश की कि उस कमबख्त जिद्दी लड़की के गीले कपड़े ही उतरवाऊं, लेकिन वो पुट्ठे पर हाथ ही न धरने देती थी और अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा न रहा था कि उसे इसी हालत में छोड़कर खुद भी सोऊं और नन्हे हैरिटन को भी बेआराम न करूं। मैंने हैरिटन को गोद में लिया और सो गई। सुबह आंख खुली तो सूरज की रोशनी खुली खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि कैथी को जहां मैंने छोड़ा था वो उसी तरह वहीं सोफे पर बैठी थी और हिंडले उससे पूछ रहा था, क्या बात है कैथी, भीग गई थी क्या। कैथी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी कुछ नहीं, बस यूं ही जरा बारिश में भीग गई थी। मैंने उसकी बात काटते हुए हिंडले से कहा, जी नहीं, बस यूं ही जरा सी नहीं भीगी थी, ये झूठ बोल रही है, शाम को भी बारिश में भीगती रही और फिर आधी रात से यूं ही सोफे पर इसी जगह बैठी है, रात भर यहीं गुजार दी है उसने।
हिंडले ने हमें हैरान होकर देखा। क्या रात भर? क्यों, क्या हुआ इसे? क्या यह बादलों की कड़क से डरी या बिजली की चमक से? वो तो सिर्फ 10-15 मिनट हुई थी। हम सब इसलिए चुप चुप रहे कि हम हीथ क्लिप वाली बात सामने न लाना चाहते थे, वरना हिंडले तूफान खड़ा कर देता। मैंने कहा, खुदा जाने हिंडले इसके जहन में क्या सौदा समा गया है, पागल है ये लड़की। कैथी चुप रही। मैंने बागीचे वाली खिड़की खोली तो ताजा और खुशबूदार हवा का एक झोंका अंदर आया और फिजा में जिंदगी और ताजगी सी आ गई। लेकिन कैथी ने मुझे झिड़कते हुए कहा, बंद करो नेली, बंद करो इसे, देख नहीं रही कि मुझे सर्दी लग रही है? वाकई यह कहते हुए उसके दांत बज रहे थे और सारा जिस्म कांप रहा था। हिंडले ने उसकी नब्ज देखते हुए कहा, इसे तो बहुत तेज बुखार भी है, क्या मुसीबत है ये? क्यों बाहर निकली थी ये? लौंडों के पीछे और किस लिए? जोसेफ ने हमारी खामोशी और हिचकिचाहट से फायदा उठाते हुए अपनी काली जबान से बोलना शुरू कर ही दिया। मैं ये सब पाखंड देखता हूं मालिक, अंधा नहीं हूं। यहां एडगर आता है, बस इधर आप बाहर निकले, उधर वो एडगर का बच्चा सूंघता हुआ आ जाता है, और ये चुड़ैल नेली चुप करके उन्हें मिलने देती है। मैं आपकी जगह होता तो मार मार के चमड़ी उधर डालता इन लौंडों की। भला कोई पूछे इस लड़की से कि तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है जो आधी रात को इस उल्लू के पट्टे हीथ क्लिफ के पीछे भागी दौड़ी फिर रही हो? कैथी झुंझला कर बोली, बंद करो यह बकवास बुढ़े खुसट, मेरे मुतल्लिक यूं बकवास करने की जरूरत नहीं। हिंडले, कल एडगर यूं ही इत्तेफाकन इधर आ निकला था, लेकिन मैंने उसे चलता किया क्योंकि जिस हालत में तुम उस वक्त थे मुझे पता था कि तुम उससे मिलना पसंद न करोगे। हिंडले बोला, तुम झूठ बोलती हो कैथी। बहरहाल इस वक्त एडगर की बात छोड़ो, मुझे यह बताओ कि क्या तुम रात को हीथक्लिफ के साथ नहीं थी? सच सच बताना, घबराओ नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो उसके नाम से नफरत करता हूं, मैं उसकी गर्दन तोड़ने की बजाय उसे घर से निकाल देना ज्यादा मुनासिब ख्याल करता हूं। आखिर क्या लगता है वो मेरा, क्या रिश्ता है उसका मुझसे? कैथी सिसकियां भरते हुए बोली, मैं तो उसे रात को मिली ही नहीं। अगर तुम उसे घर से निकालोगे तो मैं भी उसके साथ ही यह घर छोड़ दूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी कार्रवाई करने का मौका न मिलेगा। वो जा चुका है, वो यहां से जा चुका है। इससे आगे के अल्फाज उसकी जबान से न निकल सके और सिसकियों में दब गए। हिंडले के मुंह से गालियों की बौछार हुई और उसने कैथी को डांट कर कहा, फौरन रोना धोना बंद करके अपने कमरे में चली जाए। मिस्टर लॉकवुड, मैं कैथी को बहला फुसला कर उसके कमरे में ले तो गई, लेकिन वहां पहुंचकर जो उसका हाल हुआ वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। उसने अपने बाल नोच डाले, दो हत्थड़ मारे। मुझे तो यूं लगा जैसे लौंडिया पागल हो गई हो। मैंने हिंडले से चोरी चोरी जोसेफ को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा। डॉक्टर कैंथ ने आते ही ऐलान कर दिया कि कैथी की हालत सख्त खतरे में है। उसने दवाई देने और खाने की हिदायत देने के बाद कहा, ख्याल रहे कि इस बीमारी में मरीज खिड़की से कूदकर जान देने की कोशिश भी करता है। मैं कोई इतनी अच्छी नर्स तो नहीं, लेकिन मेरी दिन रात की खिदमत से कैथी की हालत संभल गई। एडगर की मां यानी मिसेज लिंटन भी कैथी की बीमारी का सुनकर इधर ही आ गई थी। एक तो कैथी की बीमारी की भागदौड़ और ऊपर से मिसेज लिंटन की डांट डपट, ये करो वो ना करो, देखना कहीं बच्ची को हवा न लग जाए, वगैरह वगैरह। और जब कैथी की हालत काफी सुधर गई तो मिसेज लिंटन की बहाली सेहत के लिए यहां ग्रेंज ले आई, लेकिन बेचारी मिसेज लिंटन को यह सौदा बहुत महंगा पड़ा। कैथी जिस बुखार में मुब्तला थी वो पहले मिसेज लिंटन और फिर मिस्टर लिंटन को चढ़ा और दोनों एक हफ्ते के फर्क से अल्लाह को प्यारे हो गए। कैथी ग्रेंज से वापस वुदरिंग हाइट्स पहुंची तो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी, ज्यादा बदतमीज और जिद्दी होकर आई थी। उस आंधी और तूफान वाली रात के बाद कभी किसी ने हीथक्लिफ के मुतालिक कुछ न सुना कि वो कहां है। कैथी अपनी अकड़ और नखवत में मुझसे खींची खींची तो पहले ही रहती थी। एक दिन मैंने गर्मी सर्दी में उसे साफ कह दिया कि हीथक्लिफ के यहां से चले जाने की वाहिद जिम्मेदार वो खुद है। यह बात खड़ी थी, उसे बुरी लगी और फिर अगले 6-7 माह तक उसने मुझसे बोलचाल बंद रखी। घर के इंतजामी उमूर पर कोई बात
मालिका और नौकरानी के दरमियान होनी हो तो वो कभी कभार हो जाती, वरना वो अपने हाल में मस्त रहती और मैं अपने ख्याल में। हिंडले को अव्वल तो अपनी शराब और कबाब की महफिलों से ही फुर्सत न थी, फिर डॉक्टर कैंथ ने साफ कह दिया कि इस लड़की को बिल्कुल मनमानी करने दो, अगर किसी ने उसकी किसी बात को झुटलाया तो उसे शदीद दौरा पड़ जाएगा। चुनांचे हिंडले आमतौर पर इसके मामले में दखल न देता। जोसेफ को भी अगरचे कैथी डांट देती थी, लेकिन वो कमबख्त अपने लेक्चर जारी रखता था। दरअसल कैथी अब बच्ची न रही थी बल्कि घर की मालिका थी। उसकी बातों से गुरूर और तमनकत का आम इजहार होता था। हिंडले ने उसे डांटना डपटना छोड़ दिया था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी बहन एडगर से शादी करके खानदान का नाम रोशन करे, और वाकई यही हुआ। मिस्टर और मिसेज लिंटन की वफात के 3 साल बाद एडगर जिस वक्त कैथी का बाजू थामे गमर्टन गिरजे की तरफ जा रहा था, तो वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। कैथी और एडगर लिंटन की शादी मेरे लिए बड़ा इनकलाब लेकर आई। मुझे कहा गया कि मैं वुदरिंग हाइट्स छोड़कर कैथी के साथ ही ग्रैंड चली जाऊं। हेरिटन बेचारा सिर्फ 5 साल का था। अभी मैंने उसे हरफों की शनाख्त कराना शुरू की थी। मेरा दिल शिद्दत गम से भर आया कि मेरे जाने के बाद इस बिन माँ के बच्चे का क्या बनेगा। लेकिन कैथी के आंसू मेरी आहों से ज्यादा पुरअसर साबित हुए। लेकिन जब मैंने कैथी की भी एक न सुनी और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो वो रोती हुई एडगर और हिंडले के पास गई। एडगर ने अपनी दुल्हन की खुशी की खातिर मुझे बहुत बड़ी तनख्वाह की पेशकश की। वो तो मेरे लिए काबिल कशिश न होती, लेकिन हिंडले ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपना सामान समेटूं और वुदरिंग हाइट्स छोड़कर कैथी के साथ यहां ग्रेंज चली आऊं। उसने यह भी कहा कि कैथी के चले जाने के बाद घर में कोई खातून नहीं होगी, तो मेरा वहां रहना बेमानी होगा। जहां तक नन्हे हेरिटन का ताल्लुक है, उसके लिए उस्ताद का बंदोबस्त हो जाएगा। मरती क्या न करती, मुझे हिंडले का हुक्म मानना पड़ा। लेकिन जाते हुए मैंने मालिक को बता दिया कि अच्छे लोग एक एक करके उससे जुदा हो गए हैं और अब कोई उसे समझाने वाला नहीं रहा। वो दिन दूर नहीं जब वो तबाही के गारों की तरफ तेजी से बढ़ेगा और कोई उसे पीछे खींचने वाला नहीं होगा। रवानगी के वक्त मैंने हेरिटन को भींच कर गले से लगाया। 2 मोटे मोटे आंसू मेरी आंखों में आए। वो दिन और आज का दिन हेरिटन और मैं एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उसे याद भी न होगा कि मैं कभी उसके लिए अजीज तरीन शख्सियत हुआ करती थी। वो यकीनन सब कुछ भूल चुका होगा। नौकरानी कहानी के इस मोड़ पर आकर रुक गई। घड़ी की तरफ देखा, 2 बज रहे थे। अब वो एक लम्हा भी मजीद रुकना न चाहती थी। मैंने भी उसे रोकना मुनासिब न समझा और जल्द ही सो गया।